बात करेंगे, एलोपैथी वाले क्या करते हैं कि पैथोजन के ऊपर देखते हो कि बोले बैक्टीरिया गया, वायरस गया तो कॉज हुआ। और होम्योपैथी क्या सोचते हैं बोले वाइटल फोर्स के डिसअरेंजमेंट के वजह से हुआ। मेरे को नहीं समझा, क्योंकि आप हमारे घर में या सब में घर वाले ऐसा बोलते हैं कि वहाँ बच्चा वहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं, वहाँ पे मेरे कुछ बीमारी हो जाएगी। तो मेरे को नहीं समझा तो मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं प्रिंसिपल मैम को पूछा था, उन्होंने मेरा जो है सब क्वेश्चन दूर था। उन्होंने बोले कि जो वाइटल फोर्स ऑफ डिसअरेंजमेंट होता है, तो मैं एक एग्जाम्पल बताए, डॉक्टर केन ने एफोरिज्म भी दिया है और जो की बुक के अंदर कि 10 लड़कियाँ हैं, 10 लड़कियाँ पानी पूरी खाने चले, उसके अंदर से 2 जनों को जो है सो कुछ हो गया, कॉज हो गया बीमारी डिसीज कौन सा भी टाइफाइड समझो। तो उन्होंने जी एलोपैथी के पास या किसी और डॉक्टर के पास, उन लोगों ने तो टाइफाइड है, फीवर है, ये है। तो ठीक है, उन लोग सिर्फ एक तो बैक्टीरिया की वजह से बोल रहे कि टाइफाइड है, तुम अगर होम्योपैथी वाले पास है तो उन लोग पूछेंगे क्या है कि वो तुमको पूरी केस सीखेंगे। तो अब मेरे दिमाग में सवाल आया, ठीक है तो लेकिन 2 जनों को बाकी के 8 जनों को क्यों नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन तो सबको गिरा होगा, मैं फर्स्ट ईयर में उन सभी को गिरा कि अभी तक मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो बाद में ऐसे पता चला कि वाइटल फोर्स की डिसअरेंजमेंट के वजह से होता है, वो भी नहीं समझा। बाद में और एक एग्जाम्पल था, एक कैदी था और कुछ एक साइंटिस्ट थे। तो साइंटिस्ट ने क्या सोची कि मतलब उसको एक उम्र गई 30 साल की, उसके पास गए, उसके लिए बोले कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में कैसा है, फांसी लेके तो दो या एक मिनट में मर जाएगा, उससे बेहतर हम तुझे स्नेक से डस देते, वो डस से तू एक दो सेकंड में दे दो। कैदी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, 2-3 मिनट से मरने से बेहतर 2-3 सेकंड में मरेगा, ठीक है। तो उन्हें ठीक है मान लिया, चेयर पर बिठाया, चेयर पर बिठा के स्नेक बताया, स्नेक बताने के बाद उस पर काला कपड़ा डाल दिया। अब उसके माइंड में ये है कि मुझे स्नेक डसने आ रहा है, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या करे थे, उसमें एक नीडल से जो है उसको टच कर दिए, प्रिंट करे और उन्हें मर गया। तो अब परेशान माइंड, मेरे को नहीं मालूम ऐसे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं बस शेयर में हूँ, क्या है। तो फिर बाद में साइंटिस्ट ने उस पर देखे, पोस्टमार्टम करे, उसके अंदर पॉइजन मिला, अभी पॉइजन आया था उसकी बॉडी में, सिगरेट का माइंड को तो मालूम था स्नेक डस आया, स्नेक डस आया फिर, लेकिन स्नेक नहीं डसा। तो ये शेप वाइटल फोर्स का कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इसके ऐसे बोलना चाह रहा था पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, डिसीज की नॉलेज फिजिशियन को होना फर्स्ट है, कि जब तक उसको डिसीज क्या है ये अगर नहीं मालूम है तो पेशेंट को परमानेंट टेम्पल रैपिड क्योर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, तो 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सर्जिकल डिसीज एंड डायनेमिक डिसीज। सर्जिकल डिसीज होम्योपैथी में ये सब करेंगे, डायनेमिक डिसीज, डायनेमिक डिसीज के अंदर क्रोनिक और एक्यूट, एक्यूट मतलब एक शॉर्ट टर्म और क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म। एक्यूट के अंदर भी 3 टाइप आते हैं, इंडिविजुअल, स्पोरोडिक और रिपीटेड। इंडिविजुअल्स मीन्स अटैक द इंडिविजुअल, मतलब अटैक एक सिंगल पर्सन को कुछ भी हो सकता है, जैसे फीवर है, अपेंडिक्स है, हेडेक है, कुछ भी समझो। फिर बाद में स्पोरोडिक है, स्पोरोडिक मतलब अटैक द सेवरल पर्सन एट द सेम टाइम, कुछ लोगों को सेम टाइम पे वो डिजीज हो सकती है, इधर समझो या किसी और शहर में, नागपुर में, अहमदपुर में, इधर। सो एग्जाम्पल है डेंगू, क्योंकि अभी डेंगू का साथ चालू है। उसके अंदर भी 2 टाइप्स है, फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम्स और फुल्ली और द फ्यू सिम्टम्स वन साइड। तो डिसीज पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, क्रोनिक डिसीज अगर किसी भी पर्सन को हुआ, या अपने गांव में समझो, शहर है, शहर की बात तो नहीं, गाँव में समझो, अगर गाँव में अगर डिसीज हुआ तो लोग क्या करते हैं, पहले तो कौन सी भी आस पास को MBBS वाले या कौन सा भी डॉक्टर है उसके पास जाते हैं, डायबिटीज हो गया समझो, वहाँ पर क्योर नहीं होता। क्योर नहीं होने के बाद वो जो पर्सन है उसके दिमाग में ख्याल आता है, बट ढूंढने को जहाँ में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता नहीं होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी में जो है क्रोनिक डिसीज क्योर होता है। क्रोनिक डिसीज में फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम, उसके अंदर है नॉन मियाजमेटिक क्रोनिक डिसीज और मियाजमेटिक क्रोनिक डिसीज।
नॉन मियास्मेटिक क्रोनिक डिजीज में सीडो क्रोनिक डिजीज। सीडो क्रोनिक डिजीज क्या है? जैसे दिसते तसलस्ते मनोगत फसते, ये वाला सीन है। जैसे कि एक क्रोनिक नहीं है लेकिन आपको लगता है कि क्रोनिक है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको इम्फाइसिमा होने की चांसेस है, ठीक है ना। क्रोनिक नहीं है क्योंकि अगर जब वो बंद कर देगा स्मोकिंग करना, बंद करेगा या जो भी उन्हें बैड हैबिट्स है वो बंद कर देगा, वो क्योर हो सकता है। सो आर्टिफिशियल प्रोड्यूस द आर्टिफिशियली बाय द एलोपैथिक डिजीज। एलोपैथिक मतलब ओवरडोज अगर हो गया, केमिकल का रिएक्शन हो गया तो आर्टिफिशियल डिजीज हो सकता है। उसके बाद है मियास्मेटिक क्रोनिक डिजीज, सिंगल डिजीज और कॉम्प्लेक्स डिजीज। इसके अंदर दो टाइप आते हैं। अब सिंगल डिजीज के अंदर सबको मालूम है साइकोसिस और सिफिलिस, इसको बताने की जरूरत नहीं मग त्यामध्ये पेशंट क्युअर होणार नाही होतं।